हेलो मैंने वीडियो डालनी थी तीन चार घंटे पहले लेकिन नहीं कर सका काफी मसरूफिया थी काम शाम में ये वो तो अभी मैं डाल रहा हूँ इसको अभी तो आप लोग सो रहे होंगे शायद आ, तो स्ट्रेट अवे भाई चार्ट वाट खोलेंगे आप लोग फिर आप इंडिकेटर्स में जाए भाई इंडिकेटर्स में जाके आप लिखें वॉटिक्स वॉटिक्स के ऊपर आ जाएगा इधर सबसे पहला वाला जो है वॉटेक्स इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा आप जो है आरस आई लिखेंगे यहाँ पे आरस आई आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो नीचे वाला ठीक है ये वोटेक्स है और उसके बाद ये हमारा आरस आई यहाँ पे लगा हुआ है ये दोनों आ जाएंगे आपके चार्ट पे और तरीका ये है ये है बेसिकली स्काल्प करने के लिए तो कोई ऐसा स्विंग ट्रेड डे ट्रेड वाला सिस्टम नहीं है अनलेस इसके आप उसको बहुत कई बड़ी टाइम फ्रेम पे एक घंटे पे चार घंटे पे इस्तेमाल करो तो वो एक और सीन मगर वैसे इसका जो पर्पस है वो स्काल्प ट्रेड के लिए तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छी है ये मैंने खुद भी ट्राई किया कई बार तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा थोड़ा है, है। आ, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें बहुत सारे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे आपको यानी को आप निकालोगे हम पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड करेंगे उससे नीचे हम नहीं जाएंगे हालांकि हम इसको एक मिनट या तीन मिनट भी कर सकते हैं मगर वहा थोड़ा ज्यादा वॉलोटाइल हो जाएगा तो हमें वो

तो पाँच छह बार दस बार इस तरह जब हो जाएगा तो ऑलरेडी आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये बिल्कुल किस टाइम पे एंट्री लेनी है कैसे स्टॉप लॉस रखना है ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है वगैरह वगैरह सारा कुछ उसके बाद फिर आप जाके अपने पैसे लगा सकते हो मगर वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जो एक्सपीरियंस कोई खास नहीं रखते और वो खास तौर पे लोग जो बीस एक्स है वो सारा कुछ हरकतें करते रहते वो तो बिल्कुल इससे दूर रहे ठीक है वो बल्कि वैसे भी वो क्रिप्टो से ही दूर रहे वो तो स्ट्रेटजी तो दूर के बाद तो आप लोग जो है थ्री टू फाइव एक्स अपना रखें ठीक है जी? 3 -5X रखते क्या वो साठ परसेंट है सत्तर परसेंट है अस्सी है सौ है जो भी है नवे है तो जितनी ज्यादा हो अगर सिक्सटी परसेंट से ऊपर हुआ तो इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त जा रहे हो ठीक है और फिर उसके बाद आप जाके असली पैसों से ट्रेड कर सकते हो मगर फिर अपने फिर भी आपने रखनी तो 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 है।, है एक एक में जो है हो रही है। बीस परसेंट ऊपर वगैरह वगैरह anyway, तो तरीका क्या है इसको ट्रेड करने का भाई क्या आपने जैसे आरसा है यहाँ पे बुल क्रॉस हुआ है तो हमने बुल क्रॉस देखना है यहाँ पे किस किस्म का बुल क्रॉस पर्पल लाइन है

अगर ये दोनों एक टाइम पे बुल क्रॉस मारते हैं तो इसका मतलब है कि भाई आप एंट्री कर सकते हो ठीक है मगर आपने एंट्री कैसे करनी है और सबसे पहले मैं एक चीज समझा इससे पहले कि कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ ये 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 जो जो मैंने पे लाइन लगाई हुई है ये इसका मतलब ये था कि जो दोनों क्रॉस लगाए जहां मैं उसको इंडिकेट करने के लिए लाइन लगा रहा था मगर यहाँ पे इधर लगाया हुआ है मैंने क्योंकि यहाँ पे जो है उसने पहले बुल क्रॉस मारा है अपना और वो दूसरे ने जो है वो बाद में जाके मारा है तो हम जो है ऐसे करेंगे कि अगर कभी कभी इस तरह होता है कि आरसाई अगर पहले मार देता है वो बाद में मारता है तो ज्यादा से ज्यादा अगर दो तीन कैंडल्स का डिफरेंस है तो फिर तो ठीक है कोई मसला नहीं है लेकिन अगर कोई चार पांच कैंडल गुजर चुके हैं और फिर जाके ये वाटसेक्स क्रॉस मारता है तो फिर हम उसको बिल्कुल ट्रेड नहीं करते है। ठीक है जी अच्छा दूसरी चीज कि भाई यार यहाँ पे मारा क्रॉस इन दोनों ने और ऊपर एक कैंडल है वो चल रहा है ये कैंडल क्लोज हो जाएगा तो तब आपने जो है इसको कंसिडर करना है कि हाँ भाई क्रॉस हो चुका है ये कैंडल क्लोज जब तक नहीं होता है तो तब तक ये आपका क्रॉस है ये रिवर्स हो सकता है ये वापस नीचे आ सकता है और ये कैंडल भी वापस लाल होके ऐसे नीचे आ सकती है, है ठीक जी? अच्छा, एंट्री कैसे करनी है हमने के फर्श करें यहाँ पे हो गया भाई क्रॉस ठीक है जी ये जो क्रॉस हुआ है उसके बाद ये जो अगला कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल को उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा हो ठीक है तो तब हमने एंट्री करनी है उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो कम अज कम अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे और प्रीवियस कैंडल ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पास वाला क्योंकि वो तो कोई स्टॉप लॉस बनता नहीं है तो प्रीवियस कैंडल इन दिस केस आप लगाते हो इस जगह पे ठीक है इधर लगाते हो और उसके बाद फिर आप उसको छोड़ देते हो तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा होगा बनस्बत इसके जो हमने पहले इंडिकेटर्स वगैरह समझाए मैंने और जो हमने स्ट्रेटजीज वो की है

और आपका स्टॉप लॉस वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और कल को प्राइस नीचे आके सीधा स्टॉप लॉस भी लग जाए और आप लोग फिर बाद में परेशान तो स्टॉप लॉस साथ साथ ऊपर लेके आना ठीक है जी अच्छा दूसरा ही जो मैंने लाइन लगा अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक किस्म का इंडिकेट करने के लिए कि हमने फर्ज करो यहाँ पे एंट्री की स्टॉप लॉस हमारे प्रीवियस कैंडल इधर नीचे और उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई यार ये साढ़े ग्यारह परसेंट ऊपर चले गया अब ये साढ़े ग्यारह परसेंट अगर हम थ्री एक्स पे फाइव पे इसको ट्रेड करते तो इजीली हमारा पचास इक्यावन बावन चालीस पैंतीस तैतीस वगैरह वगैरह परसेंटेज हमारा बन गया प्रॉफिट इसी तरह यहाँ पे बेर केस मैंने दिखाया उस पर भी हमारा जो है नौ साढ़े नौ दस परसेंट जो है वो प्रॉफिट हो गया फिर उसके बाद हम आते हैं भाई दूसरे पे और क्या नाम है इसका दूसरा लॉन्ग उधर भी हमारा सात साढ़े सात आठ परसेंट जो है प्रॉफिट हो गया फिर शॉर्ट केस से दोबारा है तो वहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट साढ़े पाँच परसेंट तो लेवरेज फाइव दोबारा मैंने फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा एक और तो इस तरह काफी सारे है बारह तो मैंने कुछ यहाँ पे मिसाल इसको इन पे लिए है और इसी तरह कुछ जो है मैंने इधर दूसरे पे ये आइटम है इधर भी इसी तरह इधर लॉन्ग किया इसको तो ये तकरीबन छह परसेंट प्रॉफिट है हमारा और उसके बाद फिर इधर किया हमने इसको शॉर्ट ऑल द वे ट्रॉप से हमें इंडिकेशन मिल गई थी तो हमने इसको शॉर्ट किया फिर ये कोई सैतीस परसेंट को वैसे भी ज़ाहिर मार्केट ज़्यादा नहीं चाहिए थी तो इसीलिए ज़्यादा हो गया फिर इक्कीस परसेंट का लॉन्ग हुआ है यहाँ पे उसके बाद दोबारा से हमारा तकरीबन चालीस परसेंट का यहाँ पे शॉर्ट है और इसी तरह फिर इक्कीस परसेंट शॉर्ट है फिर कोई दस परसेंट लॉन्ग है फिर कोई दस ग्यारह परसेंट लॉन्ग है मगर ये याद रखें बस कि दोनों का बुल खरास एक टाइम पे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ठीक है जी इधर अगर दोनों का एक साथ हो तो बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा तीन कैंडल का फर्क हो उससे ज्यादा ना हो ठीक है अगर उससे ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि ट्रेड इनवैलिड है बेशक के वो ऊपर चला जाए तो आप लोग उसको बिल्कुल ट्रेड नहीं करो फिर उसके बाद बिटकॉइन पे भी, भी कुछ मिसाल यहाँ पे लिया मैंने इधर हमने उसको लॉन्ग किया इंडिकेशन में लिए तो हो गया कोई दस ग्यारह परसेंट प्रॉफिट स्पॉट पे और वैसे कोई फोर्टी फिफ्टी थर्टी परसेंट डिफेंस की लेवरेज क्या लगाई और तीन चार परसेंट ये

तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक घट्टी बजाते हो बहुत सारे लोग ये भी है कि वो कहते हैं का समझ नहीं आता तो ट्रेंड तो इस तरह के मार्केट में देखने की जरूरत ही नहीं है तो पता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह नीचे आ रहा है तो इस तरह ये तो साफ दिखता है बगैर इसके कोई लाइन लाइने यहाँ पे लगाए बंदा अच्छा मगर जो मेन चीज है मैं बताने चाह रहा हूँ कि एक ट्रिक है बड़ा सिंपल वो ये कि हम स्टोकेस्टिक रिसर्ट का इंतजार करते हैं

जब भी आप इस तरह की चीजें देखते हो चार घंटे पे एक घंटे पे, बड़े के के ऊपर, तो फिर आप नीचे आके उसको रीसेट है, और हालांकि हमारे बाई रेंज से या हमारे जोन से थोड़ा सा ऊपर ही है मगर मैं मिसाल के तौर पे इसको दिखा रहा हूँ इसी तरह फिर दूसरा जो है वो इधर है बिल्कुल हमारे जोन में ठीक है मगर ये रेड कैंडल है तो रेड कैंडल पे हम कभी एंट्री नहीं करते हम इंतजार करते हैं अगले कैंडल का वो ग्रीन हो तो फिर हम उसमें एंट्री करेंगे मगर मैं बताता हूँ उसके बाद आप आते हो इधर फिर ये एक और जो है हमारा यहाँ पे लगा हुआ है बेशक ये छोटा सा है और उसके बाद फिर यहाँ पे भी है ठीक है अब हम जाते हैं नीचे पंद्रह मिनट पे पंद्रह मिनट पे जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई वही जो क्रॉस वहां पे मारा हुआ कह यहाँ पे मारा या नहीं मारा अगर यहाँ पे मारा हुआ है तो वेल एंड उसको एंट्री कर सकते हैं लेकिन अगर नहीं मारा तो हम इंतजार करते हैं कि वो एंट्री

ये जो कैंडल हमारा क्लोज हुआ है जगह पे जब प्राइस इससे ऊपर जाएगा तो वहाँ पे आपने एंट्री करनी है और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस जो आप बिल्कुल प्रीवियस कैंडल्स के विक पे लगा सकते हो नीचे ठीक है अच्छा इसी तरह जो है हम मैं इसको जरा मिटाता हूँ और उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं कि दूसरा वाला कौन सा था वो ये है। और दूसरे वाले से मुराद ये है कि हमारा जो मैंने जो यहाँ पे ये दूसरी वाली लाइन लगाई यानी हमने पहला देख लिया ये जो बीच वाला दूसरा है अब इसको हमने देखना है पंद्रह मिनट पे अच्छा और ये तो हमने यहाँ पे देखना है क्या क्रॉस मारा है तो हाँ इसने क्रॉस मार दिया ठीक है या बल्कि मारने वाला है तो हमने थोड़ा इंतजार किया कि पंद्रह बीस मिनट या आधा घंटा इस तरह फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉस इसने मार दी ग्रीन कैंडल है तो हम इस करते हैं और क्योंकि यहाँ हमारा कोई प्रीवियस कैंडल है नहीं तो उसके बाद हम करेंगे ये कि थोड़ा सा इससे ही नीचे बस हल्का सा अपनी एहतियातन कोई राउंड बार कोई आधा परसेंट कोई पौने एक परसेंट इधर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद आपने देखा कि ये भी ठीक ठाक ऊपर गया अच्छा अब आते हैं हम तीसरे वाले पे तीसरे वाले पे हम आते हैं इधर हम देखते हैं कि भाई इधर क्या हुआ है थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तीसरे वाले से मुराद क्या है कि भाई ये, ये वाला यानी हमने पहले ये दो देख लिया अब हमने ये देखना है ठीक है जी ये वाला हम आते हैं पंद्रह मिनट पे ये भाई हमारा तीसरा वाला अच्छा अब हमने इधर देखना है कि क्या भाई हमने क्रॉस मारा है या नहीं मारा तो हमने देखा कि क्रॉस नहीं मारा ठीक है जी उसके बाद हम जो क्रॉस मारते हैं वो इधर ये फेल हो गया हमारा क्रॉस ये इधर हमने सही से क्रॉस मारा इस जगह पे अब इधर जो क्रॉस मारा हमने उसके बाद दोबारा से प्रीवियस कैंडल्स बहुत करीब है तो हम इसे थोड़ा सा नीचे इधर एहतियात लगा छोड़ दें तो बेशक यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ ऊपर नहीं गया मगर फिर भी कोई दस तो होगा शायद या दस परसेंट तो नहीं एक परसेंट के ऊपर वंस अगेन तो तकरीबन जो, तो है, है जो भी है तो उस हिसाब से तीन चार पांच छह परसेंट आपका प्रॉफिट हो गया ठीक है अच्छा इसी तरह जो हमारा फाइनल वाला है वो हम देखते हैं कि भाई फाइनल कौन सा है कि भाई हम ये ये जो पहले है ये देख लिए हमने अब ये वाला हमने देखना है इसके लिए हम आते हैं मिनट में और उसके बाद हम दोबारा इसको थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई आ, ने जो है वो क्या उसने क्रॉस मारा है तो भाई क्रॉस मार दिया उसने ठीक है बल्कि उसने क्रॉस बाकायदा इधर मारा तो इधर हम अपनी एंट्री करते हैं मगर ये है क्योंकि लाल कैंडल तो हम इसमें नहीं करेंगे ग्रीन पे हम एंट्री करते हैं हमारे प्रीवियस कैंडल्स अगेन बहुत करीब है तो हम ऐसे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे क्योंकि हमारे ये जो प्रीवियस कैंडल्स है इसके बिल्कुल पास ही एंट्री के तकरीबन तो हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा एहतियात उसको हल्का रूम देंगे कि भाई वो और ज्यादा कुछ नीचे नहीं है यानी करें आप वहाँ एंट्री करते हो तो तकरीबन एक परसेंट है एक परसेंट भी नहीं है कोई आधा परसेंट उससे भी कम तो हम हम अपना स्टॉप लॉस बारह लगाते थे, थे उसके बाद हम प्राइस को छोड़ देते हैं जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है बस आपने अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आना है खत्म तो इस तरीके से आप इसको मैनेज करें ये दो बेहतरीन स्ट्रैटजीज़ हैं जिसे आप मज़े से बैठ के प्रॉफिट कर सकते हो और नहीं करना आप अपने तरीके से इसको, इसको इस्तेमाल करें और इसको फॉलो करें और उम्मीद है कि भाई आप ठीक ठाक पैसे बनाते हो ठीक है जी ऑल और... राइट